अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोवली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं निया के Q1 हेडफोन को। दोस्तों अगर बात की जाए तो इसको मैंने 2018 के एंड में जो है ख़रीदा था दिसंबर में, और उस वक्त मेरे ख्याल से इसकी प्राइस थी कुछ 999 रुपये या 1010 रुपये, इस तरह करके जो है मैंने दराज से ख़रीदी थी। आजकल की इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो आपको ये 1200 से 1800 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। याद रहे ये निया का Q1 मॉडल है, जिसकी वजह ये चाइनीज ब्रांड जो है काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। ये काफी ज्यादा चलने वाली इसकी प्रोडक्ट है। आपके सामने स्क्रीन पर इसकी मेरी जो है वो रीसेंट वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया कल रात को ही आया था, और उस टाइम मैं जो है इस हेडफोन को यूज कर रहा था कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, और अचानक से जो है इसका एंड आखिरी पार्ट जो है वो भी टूट गया जो मेरे पास जुड़ा हुआ था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने जुगाड़ से टेप से यहां पर जोड़ा है। अगर बात कर ली जाए इस हेडफोन की तो ये प्रीमियम लुक देता है जब आप इसको नया खरीदते हैं, और अभी भी 1.5 साल बाद भी इसकी जो लुक है, फिनिशिंग है, वो काफ़ी अच्छी है। मैं प्लास्टिक बिल्ड की इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको साइडों पे पैड्स मिल जाते हैं कानों के लिए, और जिनकी हालत अभी तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, मगर जो है जब मेरे पास मतलब जब नए मैंने लिए थे तो काफ़ी अच्छी इसकी हालत थी, और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं अभी भी। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी ग्रिप वगैरह जो है वो टूट गई है, मगर अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए जहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये टेप वगैरह मैंने लगाई है, तो ये हर जगह से टूट चुका है, काफ़ी बार गिरा भी है, काफ़ी बार खुद ब खुद ही टूट चुका है स्ट्रेच होने की वजह से। यहाँ पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एल्फी लगाई है। ये जो है बिल्कुल आराम से बैग में पैक होने के लिए राउंड भी हो जाते हैं, मतलब फोल्ड हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं। लेफ्ट राइट का आप देख सकते हैं पैनल दिया होता है इसमें, तो ईजिली आप जो है अकॉर्डिंगली जो है वो इसको अपने जो ईयर्स हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मैंने काली टेप भी इसे लगाई हुई, यहाँ से भी ये टूटा हुआ है। तकरीबन हर जगह से जहाँ जहाँ से इसका जोड़ लगता है वहाँ से ये टूटा हुआ है, और ये जो ऊपर हेड के ऊपर आपके आता है ये फोम, ये भी काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी का है। ऊपर जो है आप का रेगजीन यहाँ पर लगा होता है इस पर भी, और कानों वाली साइड पर भी, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब आपको फील देता है। अभी तो ये काफ़ी पुराना हो गया, मगर शुरू में भी अच्छा फील देता है, और अभी भी मतलब आजकल के जो नए ब्रांड आ रहे हैं उनके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं खस्ता हालत होगी इसकी, मगर अभी भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बात कर ली जाए इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट अवेलेबल है, वॉल्यूम अप और डाउन का पॉइंट अवेलेबल, और साथ ऑक्स की जगह अवेलेबल है। इसको आप डायरेक्टली ऑक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से। आप ऑक्स का यहाँ पर देख ले होंगे होल, इसको जो है मैंने छुरी गर्म करके थोड़ा सा खुला किया था, क्योंकि मैंने एक ऑक्स मंगवाई थी और उसका जो है वो आपके लीजिए के जो जैक का साइज था वो काफ़ी बड़ा था यहाँ पर, तो खैर वो बाद में चला नहीं इस पर, मगर जो है इसका मैंने हशर कर दिया, और इसके बाद दूसरी ऑक्स जब मैंने मंगवाई तो वो परफेक्टली इस पर जो है वो रन कर रही है। और मैं आपको बताता चलूँ जो इसकी ब्लूटूथ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसमें अच्छे ब्रांड की ऑक्स लगाते हैं तो जो ये ब्लूटूथ पर आपको क्वालिटी देता है उससे आप कह सकते हैं कि 20% ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात कर लीजिए इसकी बैटरी लाइफ की, तो जब मैंने इसको नया ख़रीदा था तकरीबन ये 25 मिनट में चार्ज हो जाता है। अब बॉक्स पर इसका क्या लिखा हुआ था वो तो मुझे याद नहीं है, मगर 25 मिनट में ये चार्ज हो जाता है आराम से, और उसके बाद 3 आवर्स का जो है ये मुझे बैकअप दे देता था। अब जो है इसको मैं 10 मिनट भी नहीं लगाता, काफ़ी कम इसको चार्जिंग पे मैं लगाता हूँ, और तकरीबन 1.5 घंटा की मुझे जो है ये आराम से वीआ ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टिविटी दे देता है। तो दोस्तों अगर आज के दौर में आप इसको ऑप्ट करने जा रहे हैं, आपको अगर ये 1500 से कम की रेंज में देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको डेफिनेटली जो है ये सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको 1500 से थोड़ा सा भी ऊपर मिल रहा है तो मैं आपको इसके जो नए वेरियंट्स आए हैं वो कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ ही आए होंगे, इसीलिए जो है वो उसको भी लोग अब बाय कर रहे हैं। तो मैं जो है आप लोगों को निया के Q6 या Q8 के नाम से नए जो अभी लेटेस्ट आए हैं, जो कि 1600 से 1800 की रेंज में हैं मार्केट में और दराज में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। मगर आप लोग अगर बजट टाइट है और मतलब आप लोगों ने 1200 से 1500 की रेंज में लेने हैं, तो ये बेस्टेस्ट यहाँ पर जो है वो आपके ब्लूटूथ स्पीकर हेडफोन होने जा रहे हैं, और किसी भी किस्म का जो है आपको इसमें क्वालिटी
के मामले में जो है कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छे आपके चल जाएंगे। मैं एक यहाँ पर हैवी यूज़र हूँ और मैं दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको यूज़ करता हूँ, और जब से मैंने लिया है तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा रगड़ा है। आप लोग जो है इसकी वीडियो में कंडीशन से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको इतना चला सकता हूँ तो मेरे ख्याल से आप इसको आराम से 1 साल तो निकाल ही लेंगे बगैर इसके टूटने के, और उसके बाद भी अगर आप इसको निकालना चाहें तो मेरी तरह इसको आराम से 1.5-2 साल तक आप जो है वो पेल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का निया की वन का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।